मित्रों क्रिया प्रकरण की चर्चा के क्रम में अब तक हमने क्रिया की परिभाषा और उसके विविध प्रकारियों के बारे में जाना इसके साथ ही हमने क्रिया के कतिपय प्रकार अकर्मक सकर्मक उभयविध क्रियाओं के बारे में भी चर्चा की इसी क्रम में अब हम आगे की चर्चा के लिए आपको ले चलते हैं व्याकरण की उस कक्षा में जहां अध्यापिका बड़ी तन्मयता से व्याकरण की को सुलझा रही हैं। अकर्मक, सकर्मक आदि क्रियाओं के अलावा प्राय देखने में आता है कि हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो कर्म लगाने के बाद भी अधूरी प्रतीत होती हैं और वे किसी एक पूरक यानी सप्लीमेंट की अपेक्षा रखती हैं इनसे तब तक उनके पूरे अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती जब तक कि कर्म के साथ कुछ जोड़ नहीं दिया जाता जैसे जैसे कि देखो ये वाक्य मैं सतीश को मॉनिटर बनाऊंगी आलस्य ने इस देश को निर्धन कर दिया इन वाक्यों में मॉनिटर पूरक है सतीश का और निर्धन पूरक है इस देश का इन वाक्यों से यदि मॉनिटर और निर्धन शब्द को हटा दिया जाए तो ये निरर्थक हो जाएंगे मैम ऐसी क्रियाओं को भला क्या कहते हैं ऐसी क्रियाओं को हम कर्म पूरक क्रियाएं कहते हैं ये तो रहा कर्म के साथ पूरक की अपेक्षा बच्चों कर्म पूरक के समान ही हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके कर्ता के साथ पूरक आवश्यक होते हैं जी और ऐसी क्रियाओं को कर्तृपूरक क्रियाएं कहते हैं ऐसा ही है ना मैम हाँ एकदम ठीक कहा तुमने इन्हें कर्तृपूरक क्रियाएं ही कहते हैं मैम इसे उदाहरण से समझाती तो अधिक अच्छा होता हाँ हाँ क्यों नहीं आ, जैसे मेरे पिताजी विद्वान हैं और इसका एक दूसरा उदाहरण हो सकता है वह चालाक बनता है इन दोनों वाक्यों में विद्वान व चालाक शब्द कर्ता यानी सब्जेक्ट के पूरक हैं मैम पिछली क्लास में मैंने मुख्य क्रिया सहायक क्रिया आदि के बारे में पढ़ा था पर उस समय मैं ये ठीक ठीक समझ नहीं पाया तो चलो इस पर ही चर्चा कर लेते हैं देखो हिंदी के वाक्यों में तुम लोगों ने यह गौर किया होगा कि कई बार उनमें एक क्रियापद प्रयुक्त होता है तो कई बार एकाधिक यानी एक से ज्यादा क्रियापद जैसे ये रहे इसके उदाहरण राम गया और मैंने वह काम कर दिया है इन वाक्यों में पहले वाक्य राम गया में गया मात्र यही एक क्रियापद है परंतु दूसरे वाक्य मैंने वह काम कर दिया है इसमें क्रियापद एक से अधिक हैं और ये हैं कर दिया और है मैम पहले वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद गया मुख्य क्रिया है ये तो आसानी से पता चल रहा है पर दूसरे वाक्य में कर दिया और है यहाँ कई क्रियाएं है दिखती हैं क्या ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं नहीं यहाँ कर दिया और है इन तीनों को मुख्य क्रिया मानना एक ब्लंडर होगा तो फिर इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी होगी देखो जब क्रिया में एकाधिक पद हो तो उसका मुख्य अर्थ द्योतक अंश जो प्रायः सबसे पहले होता है मुख्य क्रिया कहलाता है और शेष अंश सहायक क्रिया अब तुम लोग ही बताओ कि मैंने वह काम कर दिया है इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया कौन सी इसमें कर मुख्य क्रिया है दिया और है यहाँ सहायक क्रियाएं हैं एकदम ठीक कहा तुम दोनों ने मोटे तौर पर तो तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए हैं मुख्य क्रिया के चार प्रकार माने जाते हैं वे कौन कौन से वे हैं कार्य द्योतक क्रिया घटना द्योतक क्रिया अस्तित्व द्योतक या स्थैतिक क्रिया और योचक क्रिया लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे ओके मुख्य क्रिया की चर्चा के बाद यहां थोड़ी सी चर्चा सहायक क्रियाओं के बारे में भी कर ली जाए देखो वैसे तो इसे मैं पहले ही बता चुकी हूं पर एक बार फिर यहां दोहराई देती हूं कि सहायक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो क्रिया पदबंध में मुख्य न होकर किसी न किसी रूप में सहायक मात्र होती है जैसे कि लड़का गिर गया हिंदी में मूलतः केवल तीन सहायक क्रियाएं हैं और ये हैं होना टू बी था वॉज और जाना टू गो अनुसार वाक्यों में प्रयोग करते समय हम होना था और जाना के विविध रूपों का प्रयोग करते हैं इसके कुछ एक उदाहरणों को स्क्रीन पर देखो कोस कोस पर बदले पानी पांच कोस पर बानी दोस्तों अपनी भाषा हिंदी के विषय में तो ये अक्षरशह सत्य है कहना नहीं होगा कि हिंदी एक विशाल जनसमूह की भाषा है तो थोड़े बहुत परिवर्तन के आधार पर यह अलग अलग प्रकार से बोली जाती है बोलियों की दृष्टि से हिंदी भाषा का विशेष महत्व है हिंदी की बोलियों की संख्या विश्व की किसी भी भाषा की बोलियों से अधिक है पर दोस्तों यह सभी बोलियां अपने आप में अलग अलग होने पर भी संपूर्ण हिंदी प्रदेश के द्वारा भली भांति समझ ली जाती हैं। हिंदी व्याकरण पर केंद्रित इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख बोलियों के क्रिया पद के साथ साथ जानकारी यहां रोचक हो सकती है ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र की तपोभूमि हरियाणा सांस्कृतिक दृष्टि से एक धनी प्रदेश है आइए यहां खड़ी बोली हिंदी की एक प्रमुख बोली हरियाणवी की क्रियाओं की संक्षिप्त चर्चा करते हैं हरियाणवी की वर्तमान कालिक क्रिया सही है जैसे जाता है जा सही मुझे जाना है मन ने जाना सही हूं के लिए यहां सु का प्रयोग किया जाता है जैसे कि यदि हरियाणवी में यह कहना हो कि मैं मारता हूं तो कहेंगे मैं मारदा सू क्यों कैसी लगी ये बोली आपको अरे हां याद आया भाई अभी हिंदी में क्रिया की चर्चा पूरी कहां हुई है आइए फटाफट चलते हैं उस कक्षा की ओर जहां अध्यापिका बच्चों को क्रिया का टॉपिक समझा रही हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को अब क्लियर हो गया है ना यस मैम मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की इस चर्चा के क्रम में एक बात और जो कि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये कि कई बार कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं, जो कि सहायक व मुख्य क्रिया दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होती हैं जैसे जैसे लग क्रिया का प्रयोग इसका प्रयोग प्रसंगानुसार विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है तो इसका प्रयोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है परंतु जब तुम लोग इसकी नब्स पकड़ लोगे तो फिर यह खुद ब खुद इंटरेस्टिंग लगने लगेगा कुछ वाक्य यहां स्क्रीन पर देखो साथ ही इनसे अलग अलग क्या सेंस कन्वे हो रहे हैं इसके बारे में भी जानते हैं वाक्य मुझे प्यास लगी है सेंस कन्वेड फिजिकल नीड उसे चोट लगी है सेंस कन्वेट फिजिकल राधा समझदार लगती है सेंस कन्वेट सीम्स इसमें फूल अच्छे लगते हैं सेंस कन्वेट लाइकिंग ये लग क्रिया के विविध प्रकार के प्रयोग हैं ओके ओके ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्रियाओं की रूप रचना की चर्चा के क्रम में हमारा पहला पड़ाव है संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया का प्रयोग हिंदी की अपनी एक खास विशेषता है मैम, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं उसी के बारे में बताने जा रही हूं देखो संयुक्त क्रिया की रचना क्रियाओं के योग से होती है इसमें प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है और ये हमें मूल अर्थ का बोध कराती है जबकि इसमें मौजूद अगली क्रिया सहायक क्रिया होती है ये क्रिया के लिंग वचन और काल को व्यक्त करती है मैम इसे किसी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगी हाँ, ये देखो स्क्रीन पर सीता रो पड़ी, मैंने छिलका फेंक दिया इन वाक्यों में रो पड़ी और फेंक दिया संयुक्त क्रियाएं हैं और इनमें मुख्य क्रिया कौन सी है और संयुक्त क्रिया कौन सी ये अब तुम लोग बताओगे रो पड़ी इसमें मुख्य क्रिया है रो और सहायक क्रिया है पड़ी। ओके और दूसरे वाक्य में इसमें फेंक मुख्य क्रिया है और दिया सहायक क्रिया है आ, कुछ उदाहरण देकर बताओ जी कोशिश करती हूँ यस प्लीज वर्षा होने लगी वह देर से सोने गया बिल्कुल ठीक अब आगे चर्चा करते हैं प्रिय छात्रों संयुक्त क्रिया के विभिन्न भेदों के बारे में चर्चा से पहले संकल्पना की स्पष्टता के लिए मुझे यहाँ रंजक क्रियाओं की चर्चा भी प्रासंगिक लगती है रंजक क्रिया हाँ रंजक क्रिया इसे अंग्रेजी में एक्सप्लीकेटर अथवा इंटेंसिफायर कहते हैं रंजक क्रिया भला ये क्या बला है मैम भाई यदि इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फिर ये बला नहीं बल्कि हमारा ये भोलू दोस्त है एकदम भोला भाला सा वी आर रेडी टू रिसीव अवर दिस भोलू फ्रेंड मैम अ गुड बॉय हाँ तो मैं रंजक क्रिया की बात कर रही थी देखो संयुक्त क्रिया में प्रयुक्त होने वाली मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है है ना ये एकदम आसान जी मैम और इस प्रकार पहले के वाक्यों में सीता रो पड़ी में पड़ी और मैंने केंद्र फेंक दी में दी रंजक क्रियाएं हैं ऐसा ही कुछ है ना बिल्कुल यही कुछ है इन दोनों वाक्यों में पड़ी और दी सहायक क्रियाएं हैं और यही रंजक क्रियाएं भी हैं पर मैम इस एक ही चीज के लिए दो अलग अलग नाम रखने की जरूरत ही क्या थी भाई ये ऐसा इसलिए है कि यहां संयुक्त क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली सहायक क्रिया दरअसल मुख्य क्रिया पर अपना रंग चढ़ा देती है कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि रंजक क्रिया मूल क्रिया में रंजकता यानी विशेषता ला देती है अतः इसे रंजक क्रिया अर्थात इंटेंसिफायर कहा जाने लगा है इसके एकाध उदाहरण और देखो संजय चला संजय चला गया अजय गिरा अजय गिर पड़ा बता सकते हो एक्सप्रेशन की दृष्टि से इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है देखो चला गया में गया शब्द जोड़ने से वाक्य में अभिव्यक्ति के स्तर पर हमें जहाँ कार्य की पूर्णता का बोध होता है वहीं अजय गिर पड़ा इसमें हमें सहज ही एक प्रकार की आकस्मिकता का एहसास होता है मैम, हिंदी में ऐसी रंजक क्रियाएं कुल मिलाकर कितनी होंगी भाई इसकी लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है पर हाँ रंजक क्रियाओं का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें एक क्रिया को छोड़कर शेष सभी रंजक क्रियाएं प्रायः स्वतंत्र क्रियाओं की तरह भी प्रयुक्त होती हैं है। मैम आपने संयुक्त क्रिया के भेदों की चर्चा रंजक क्रिया की चर्चा के पश्चात करने की बात कही थी हाँ खूब याद दिलाया तुमने संयुक्त क्रिया के विविध भेदों पर यह बेशक संक्षेप में ही सही परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसकी चर्चा मेरे विचार से प्रासंगिक है संयुक्त क्रिया के कुल ग्यारह भेद हैं मैं इन्हें मात्र पढ़ भर देती हूं आरंभ बोधक मुख्य क्रिया के आरंभ होने का बोधक जैसे वह खाने लगा समाप्ति बोधक मुख्य क्रिया के पूरा होने यानी कार्य की समाप्ति का बोधक जैसे वह किताब पढ़ चुका है अवकाश बोधक क्रिया को पूरा करने हेतु अवकाश का बोधक जैसे वह देर से खाने गया रुकने न पाया अनुमति बोधक कार्य करने की अनुमति का बोधक जैसे उसे खेलने दो नित्यता बोधक कार्य की निरंतरता का बोधक जैसे पानी गिर रहा है आवश्यकता बोधक कार्य की आवश्यकता का बोधक जैसे उसे घर जाना पड़ेगा निश्चय बोधक कार्य के निश्चय पूर्वक संपन्न होने का बोधक जैसे मैंने किताब पढ़ डाली इच्छा बोधक कार्य करने की इच्छा का बोधक जैसे मैं अब खेलना चाहता हूं अभ्यास बोधक क्रिया के करने के अभ्यास का बोधक जैसे वे खूब पढ़ा करते थे शक्ति बोधक कार्य करने की शक्ति का बोधक जैसे मैं खेल सकता हूं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया दो समान ध्वनि वाली या समानार्थक क्रियाओं का मेल जैसे इसी तरह बार बार आते जाते रहो दोस्तों हिंदी की बोलियों में से एक प्रमुख बोली है ब्रज भाषा ब्रज का अर्थ है चलना या फिर गोष्ठ प्राचीन काल में ब्रज क्षेत्र के लोग गोचारण एवं गोपालन हेतु जंगलों में यायावर वृत्ति को धारण करते थे कालांतर में इसका रूढ़ार्थ मथुरा एवं उसके सहवर्ती नगरों की भाषा के लिए किया जाने लगा इस भाषा के बारे में लोक में प्रचलित है ब्रजभाषा से मिठलौनी कहां ब्रज भाषा ओकार बहुला बोली है इसमें संज्ञा विशेषण और क्रियापद को एक वचन में ओकारांत रूप में बोलने की प्रवृत्ति है इसमें हिंदी के पदांत ए और ओ को ए और औ कर दिया जाता है जैसे उधो उधो पायो पायो आदि आदि माधुर्य एवं समासोक्ति की दृष्टि से यह हिंदी की सर्वोत्कृष्ट बोली मानी जाती है अरे हाँ याद आया इस समय हमारे व्याकरण की कक्षा में संयुक्त क्रियाओं के निर्माण पर रोचक चर्चा चल रही है हम भी क्यों ना इससे फायदा उठाएं? तो चलिए चलते हैं और जानते हैं संयुक्त क्रियाओं के निर्माण के बारे में देखो संयुक्त क्रिया जिन रूपों में बनती हैं उनमें कुछ इस प्रकार से हैं देखो स्क्रीन पर अब इन्हें एक एक कर समझते हैं संयुक्त क्रियाओं के निर्माण का पहला तरीका है क्रिया के मूल रूप के साथ रंजक क्रिया जोड़कर जैसे कर जमा डालना जैसे मैंने आपके सारे पत्र कल रात ही टाइप कर डाले थे दे जमा आना जैसे नौकर उनका अखबार वापस दे आया खा जमा चुकना जैसे जब मेहमान आए हम खाना खा चुके थे अब इसी प्रकार कुछ वाक्य तुम लोग बनाओ मैं कुछ क्रियाओं को मूल रूपों और रंजक क्रियाओं का हिंट देती चलती हूं ठीक है ओके सबसे पहले तुम जी खा जमा लेना सोहन ने खाना खा लिया अच्छा अब तुम बताओ चिल्ला जमा उठना मखान में लगी आग को देख शीला चिल्ला उठी वेरी गुड अब आगे बढ़ते हैं देखो संयुक्त क्रियाओं का निर्माण कृदंत रूपों के साथ रंजक क्रिया मिलाकर भी किया जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं कृदंत रूप दो प्रकार के होते हैं वर्तमान कालिक क्रुदंत रूप जैसे कि चलते सोते बोलते आदि तथा भूतकालिक कृदंत रूप जैसे कि पड़ा लगा आदि तो आओ पहले हम वर्तमान कालिक कृदंत रूप और रंजक क्रिया से संयुक्त क्रिया का निर्माण करें ये कुछ इस प्रकार से किए जा सकते हैं चलते जमा जाना वाक्य में थक जाने के बावजूद हम चलते गए सोते सोते जमा रहना कक्षा चलती रही और तुम लोग सोते रहे मैम कृदंत वाली संयुक्त क्रिया मैं बताती हूँ वेरी गुड बताओ बताओ पड़ा जमा रहना वह दिन रात घर में पड़ा रहता है ठीक है वेरी गुड अच्छा कोई और बताएगा हाँ बताओ लगा जमा रहना वह 2400 घंटे काम में लगा रहता है भाई दोनों ही उदाहरण 100 फीसदी दुरुस्त है अब हम क्रिया जमा ना जमा रंजक क्रिया इस पैटर्न पर संयुक्त क्रियाओं का निर्माण करते हैं जाग जमा ना जमा पढ़ना परीक्षा के कारण हमें देर रात तक जागना पड़ता है जमा ना जमा चाहना या चाहिए कर्मचारियों को ठीक समय पर दफ्तर आना चाहिए मैम इस पैटर्न के अनुसार संयुक्त क्रियाओं का कर निर्माण करना हम अब सीख गए अब क्रिया जमा ने जमा रंजक क्रिया वाला पैटर्न बताएं दिस टू इज वेरी सिंपल इस पैटर्न के एक आध उदाहरण देखो रो जमा ने जमा लगा कुत्ते को देखते ही बच्चा रोने लगा आ जमाने जमा देना जिसके पास पहचान पत्र हो उन्हें ही आने दो या फिर आने देना बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हमारा परिचय बुंदेलखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करवाती हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली हिंदी भाषा की एक प्रमुख बोली मानी जाती है बुंदेली के क्रिया पदों में सहायक क्रियाओं के रूप में हौ है हतो हते हती आदि प्रचलित हैं वर्तमानकालिक दंतों में आपको मारत हौ जात हैं, देत हैं का प्रयोग देखने को मिलेगा और भूतकालिक कृदंतों में मारत हों मारो तो मारो हो गो इत्यादि के प्रयोग उल्लेखनीय हैं। दोस्तों आइए मैं इस बोली की एकाद पंक्ति का वाचन कर आपको सुनाता हूं कुछ दिनों पहले की बात है एक चलतो फिरतो आदमी एक राजा के दरबार में पहुंचो मुजरा कर चाकरी के लाने विनती करी <laughs> क्यों कैसी रही है पंक्तियां आशा है हिंदी की इस बोली को सुनने में आपको आनंद आया होगा खैर अब हम चर्चा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और व्याकरण की कक्षा में चलकर जानेंगे हिंदी के नाम धातुओं के बारे में धातुओं को छोड़ दूसरे शब्दों जैसे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण से बनी क्रियाओं को हम नामिक या नाम बोधक क्रिया कहते हैं नाम बोधक क्रिया या नामिक क्रियाओं के दो अंश होते हैं इसके पहले अंश में संज्ञा विशेषण आदि होते हैं और दूसरे अंश में क्रियाकर यानी वर्बिलाइजर होते हैं संक्षेप में मैं तुम लोगों को इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बता देती हूं पहली विशेषता तो इन क्रियाओं की यही होती है कि इनके दोनों अवयव मिलकर एक इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इनके स्थान पर एक क्रिया आ सकती है और साथ ही तीसरी बात यह भी कि अर्थ के स्तर पर एकल क्रिया भाव होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण से बनी कुछ क्रियाओं के उदाहरण हम यहां स्क्रीन पर देखते हैं संज्ञा शर्म नामिक क्रिया शर्माना संज्ञा लालच नामिक क्रिया ललचाना विशेषण साठ नामिक क्रिया सठियाना विशेषण गर्म नामिक क्रिया गर्माना सर्वनाम अपना, नामिक क्रिया अपनाना क्रिया विशेषण रोज नामिक क्रिया रोजाना नामिक क्रिया या नाम धातुओं के बारे में एक बात याद रखना वो ये कि तुम लोग इसे संयुक्त क्रिया समझने की कभी भूल मत करना क्योंकि संयुक्त क्रिया जहां दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है वहीं नामिक क्रियाओं में ऐसा नहीं होता इसमें संज्ञा विशेषण सर्वनाम आदि के साथ क्रिया का मेल होता है मैम ये तो हम अच्छे से समझ गए अब हमें कोई दूसरी क्रिया के बारे में बताएं ठीक है अब हम प्रेरणार्थक क्रिया की चर्चा करते हैं ओके इन वाक्यों पर गौर करो बच्चा चलता है नौकर बच्चे को चलाता है मां नौकर से बच्चे को चलवाती है क्या लगता है तुम लोगों को इन वाक्यों में पहला वाक्य बच्चा चलता है में बच्चा वाक्य का करता है जो चलने का कार्य करता है ओके यहां इसका मतलब यह है कि पहले वाक्य में प्रयुक्त क्रिया चलता है साधारण क्रिया है ठीक है दूसरे वाक्य में दूसरे वाक्य में यूं तो बच्चा खुद ही चलता है परंतु नौकर उसको चलने में सहायता करता है ये भी ठीक है? यहां नौकर चलाने की क्रिया में प्रेरक इनिशिएटर का कार्य करता है ओके लास्ट सेंटेंस में चलो मैं ही बताई देती हूं यहां तीसरे वाक्य में बच्चा प्रेरित करता यानी इंस्पायर्ड सब्जेक्ट है मां नौकर से बच्चे को चलवाती है इसमें दरअसल मां नौकर से बच्चे को चलवाने के लिए कहती है यानी उसे प्रेरणा या इंस्पिरेशन देती है मैम इस कॉन्सेप्ट को परिभाषा के रूप में बताएंगे प्लीज ओके देखो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया या कॉजेटिव वर्ब कहते हैं जैसे करना से बना कराना और धोना से बना धुलाना आदि पहले के वाक्य प्रयोग में तुम लोगों ने यह भी देखा कि कई बार कुछ क्रिया यानी वर्ब के साथ दो कॉजेटिव वर्ब्स आए हैं ऊपर के वाक्य में स्थिति कुछ यूं बन रही थी देखो स्क्रीन पर वाक्य में प्रयुक्त दूसरे कॉजेटिव फॉर्म को द्वितीय प्रेरणार्थक कहा जाता है ठीक ओके okay, आगे बढ़ते हैं ध्यान रखना कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और केवल सकर्मक ही होती हैं सिंस है समथिंग टू बी डन इज एन एक्शन विच मस्ट बी डायरेक्टेड टू वर्ड संपटी फॉर ऑल कॉजिटिव वर्ब्स आर इनवेरियबली ट्रांसिटिव प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण भला कैसे किया जा सकता है वैसे तो ये एक जटिल कार्य यानी कॉम्प्लेक्स टास्क है फिर भी इसे संक्षेप में स्क्रीन पर देखें मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक रूप बनता है जैसे उठना उठाना उठवाना गिरना गिराना गिरवाना दो अक्षरों वाली धातु में आई वा को छोड़कर उसके आदि का अन्य स्वर दीर्घ हो जाता है जैसे ओढ़ना जागना, जगाना जगवाना ध्यान रहे कि प्रेरणार्थक क्रिया निर्माण की हमारी यह चर्चा पूर्ण चर्चा ना होकर केवल संकेत भर है इस पर विस्तृत चर्चा हम फिर कभी करेंगे दोस्तों राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पूरे देश की भाषा है इसी क्रम में विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी थोड़े बहुत हेर फेर के साथ विभिन्न रूपों में बोली जाने लगी हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियों की परिचय यात्रा के क्रम में हम दक्षिणी हिंदी को भला कैसे भूल सकते हैं दक्षिणी हिंदी वस्तुतः भारत के उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों के आपसी संपर्क और विचार विनिमय की उन्नत गाथा कहती है दरअसल दिल्ली और पंजाब से जाकर जब लोग दक्षिणी क्षेत्रों विशेषकर हैदराबाद रियासत में जाकर रहने लगे तो हिंदी की एक सुंदर उपभाषा दक्षिणी हिंदी अपने अस्तित्व में आई अब यह प्राय गुजरात महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यों में बोली जाती है होता होवता होतियां आदि कुछ दक्षिणी हिंदी की वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं इसी प्रकार जान्या बोलिया भेद्या देखिया आदि इसकी भूतकालिक क्रियाएं हैं खैर छोड़िए क्या रखा है इन नीरस बातों में दक्षिणी हिंदी में आपको एक आध पंक्ति सुनाता हूं काम पड़े बगैर किसू का जात पिस नहीं जाता मैं अपना हाथ सू रंग हारा पुरोने ला गया चलो अपन खावे ने खुशियां मनाए <laughs> क्यों कैसी रही दोस्तों कार्यक्रम के इस अंश के समापन की हमें यही इजाजत दीजिए कार्यक्रम के अगले अंश में हम आपसे पुनः मिलेंगे तब तक के लिए विदा नमस्कार